तीसरी लहर भले ही नियंत्रण में आ गई हो, लेकिन नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं। सोमवार को पॉजिटिव आए चारों मरीज दिल्ली से आए हैं, इसलिए स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण ने मार्च 2020 में दस्तक दी थी। जानकारों की राय में कोविड महामारी की पहली लहर में दिल्ली से आए मरीजों के कारण संक्रमण बढ़ने की बात कही जा रही है। जून महीने में कोविड की चौथी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। पिछले तीन दिनों से कोविड के मरीज सामने आने लगे हैं। खास बात यह है कि सोमवार को पहली बार एक ही दिन में चार मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पॉजिटिव आए चार मरीजों में 48 व 50 वर्षीय महिला है, जबकि 43 व 75 वर्षीय पुरुष है। इनमें से तीन एक ही परिवार के सदस्य हैं और वे धर्मपेट जोन के अंतर्गत रहते हैं। ये तीनों अलग अलग काम से दिल्ली गए थे। दिल्ली से नागपुर लौटने पर उनमें लक्षण नजर आए। वहीं धंतोली जोन में पॉजिटिव आए एक अन्य मरीज का रिश्तेदार भी दिल्ली से आया था। उसके संपर्क में आने से वो भी संक्रमित होने की बात कही जा रही है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।